भाग तीन अगर नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा। भाग चार में 14वां नियम क्या है, 36 पेन बेचने पर 4 पेन के बराबर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो पेन पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी भाग तीन में देखिए हम बताए हैं, 11वां नियम बताए हैं कि उसमें क्या था, किसी वस्तु को बेचने पर जैसे कि 10 केलों को बेचने पर 4 या 3 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आवाज क्या है, आज है कि 36 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब आज देखिए हानि हो रही है, अगर लाभ होगा 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो हम लगाएंगे 11वां नियम, अगर हानि हो रही है तो हम लगाएंगे 14वां नियम। जब कभी ऐसी सीन आती है कि हम किसी वस्तु को बेचे और विक्रय मूल्य के हानि के बराबर लाभ हो तो हम 14वां नियम लगाएंगे, यदि विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर अगर हानि को लाभ के बराबर अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हम लगाएंगे नियम 11। तो अब देखिए अब इसमें करेंगे क्या, 36 पेन बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि हो रही है इसलिए हम हानि का सूत्र लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात है लिखा है तो पेन पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। एक बार और हम बता देते हैं, बताना चाहते हैं लेकिन वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए और जो हम बताएं उसको दिमाग पे नोट करिए। कहने का मतलब हम कई बार आए हैं वीडियो में, अगर हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत लाभ हानि निकालना है तो समझ लेना कि जब तक हमका खरीदे वाला दाम और बेचे वाला दाम यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं मालूम होगा तब तक ना हम प्रतिशत हानि निकाल पाएंगे ना हमारा प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो देखिए यानी कहने का मतलब अब हमें प्रतिशत हानि निकालना है तो हमें निकालना क्या है, हम 36 पेन को बेच रहे हैं, बेचने पर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 पेन अगर हम बेच रहे हैं इसका मतलब 36 पेन हमने खरीदा था। अब ये पता लगाना है 36 पेन को हमने कितने रुपए में खरीदा था और 36 पेन को कितने रुपए में बेचा था। अगर यही मालूम हो जाए तो हमारा प्रतिशत लाभ चाहे निकाले को चाहे प्रतिशत हानि निकाले को निकल जाए। अब आ जाइए स्टेप पर, यानी कहने का मतलब हमें हानि हो रही है तो यहां सुंदर राइटिंग लिखेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर यहां लाभ होता तो हम यहां लिखते लाभ बराबर, तो जब लाभ बराबर लिखते तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लिखते। अब क्योंकि हमारा हानि हो रहा है तो इसलिए हानि का सूत्र लिखेंगे, तो हानि का सूत्र क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब मुझे हानि तो हानि क्या है, देखिए 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो यानी कि हम हानि की जगह लिखेंगे 4 पेन का विक्रय मूल्य, हानि की जगह लिखेंगे 4 पेन का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य के मतलब हम 36 पेन अगर बेच रहे हैं तो इसका मतलब हमने 36 पेन खरीदा था। तो अब ये नहीं लिखेंगे, यहां 36 पेन लिखेंगे, जैसा कि हम 11वां नियम में बताए ही
अगर ग्रहवा नियम नहीं देखे यहां तो ग्रहवा नियम देख लिया वह हम बताए ही कि अगर हम जिसे हम क्रय मूल्य के नीचे अगर लिखा था 36 पे तो हम लिखेंगे 36 पे का क्रय मूल्य का क्रय मूल्य। अब मान्य सा है मान्य लिखा। अब फिर अगर हम 36 पेन को हम खरीद रहे हैं तो हम 36 पेन को बेचेंगे फिर यहां लिखेंगे 36 पेन। अब विक्रय मूल्य के नीचे लिखा था तो लिखेंगे 36 पेन का विक्रय मूल्य। ये तो अब देखिएगा यही कहने का मतलब अगर विक्रय मूल्य तो यहां है 4 पेन का विक्रय मूल्य यहां है 36 पेन का विक्रय मूल्य यहां है 36 पेन का क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दो जगह है एक तो 4 पेन का विक्रय मूल्य यहां दिया गया है 36 पेन का विक्रय मूल्य यहां दिया गया है तो विक्रय मूल्य एक तरफ कर लेंगे और क्रय मूल्य एक तरफ कर लेंगे। तो इसका अब इसको हम अगर इधर लाते हैं तो ये जो हमारा माइनस में है प्लस में हो जाएगा इसलिए हम इसको इधर लाते हैं। सुंदर राय की लिखेंगे 4 पेन का विक्रय मूल्य इसको इधर लाएंगे तो 36 पेन का विक्रय मूल्य बराबर है बराबर लिखा। अभी हमारा जो बचा है इसको बराबर के उधर ले लेंगे 36 पेन का क्रय मूल्य। अब देखो 4 पेन का विक्रय मूल्य अधन 36 पेन का विक्रय मूल्य तो 36 और 4 40 हो जाए 40 पेन का विक्रय मूल्य। ये बराबर है कितने के 36 पेन का क्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य उधर है उसको इधर कर लीजिए जो विक्रय मूल्य इधर है उसको उधर कर लीजिए यानी कि 36 पेन का क्रय मूल्य बराबर 40 पेन का विक्रय मूल्य। अब देखिए ध्यान से देखिए यही कहने का मतलब 36 पेन का क्रय मूल्य जो है वो 40 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है यानी कि जितने रुपए में हम 36 पेन को बेच रहे हैं उतने रुपए में हम 40 रुपए 40 पेन को हम बेच रहे हैं। अब अगर हम 36 पेन को हमने खरीदा मान लीजिए 36 पेन को हमने 36 रुपए में खरीदा तो बताइए हम 40 पेन को कितने रुपए में बेचा। हाँ क्या कहा 40 ठीक 40 नहीं होगा क्योंकि 36 इसमें क्या लिखा होगा पहले समझो 36 पेन का क्रय मूल्य ये बराबर है 40 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप हमें नहीं कि जितने रुपए में हमने 36 पेन को खरीदा था उतने ही रुपए में 40 पेन को हमने बेचा है। अगर हम 36 पेन 36 रुपए में अगर खरीदा है तो वही 36 रुपए में ही 40 पेन को हमने बेचा है ये है। अब समझ में आई बात आगे देखिए तो इसको हम मान लेंगे माना 36 पेन का क्रय मान लिया 36 पेन का क्रय मूल्य कितना है 36 रुपया है कहीं दिक्कत। तो अब यानी अब देखिए 40 पेन को हमने कितने रुपए में बेचा है तो 40 पेन का विक्रय मूल्य निकालना 40 पेन का विक्रय मूल्य तो 40 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाए यानी कि जितना 36 पेन का क्रय मूल्य है उतना हमारा 40 पेन का विक्रय मूल्य है यानी कि 36 रुपया। नहीं देखा अगर ध्यान से देख लिया वीडियो को समझ में आएगा अगर वीडियो देख रहे हो तो
फिर वही एक ही काम करो। तो कहने का मतलब कि हम हमेशा नोट कर लीजिए, एक ही तरीके से हम सवाल बताते हैं, सारी सवालें हमने एक ही तरीके से बताया। ये नहीं है कि कोई सवाल दूसरे नियम से बताए, दूसरे सवाल दूसरे नियम से, तीसरी सवाल तीसरे नियम से। अब बच्चों को समझ में, एक ही नियम हमने लगाया है। यानी कि पहले देखिए कितने वस्तु को आपने बेचा, उतने वस्तु पे यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लिया। कितने वस्तु को आपने खरीदा, तो जितने वस्तु को हमने बेचा उतने वस्तु को हमने खरीदा था, उतने वस्तु पे क्रय मूल्य निकाल लिया। तो हमारा तो 36 पेन हमने बेचा था, तो 36 पेन का हमारा क्रय मूल्य तो निकल गया। अब हमका ये पता लगाना है कि 36 पेन का विक्रय मूल्य क्या है। जब 40 पेन का विक्रय मूल्य 36 दिया हुआ, तो अब हमका पता लगाना है कि 36 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया। बस तो एक पेन का विक्रय मूल्य हो गए 36 बटे जो नियर है नीचे। तो इसलिए कई पेन के 36 पेन का विक्रय मूल्य, तो 36 पेन का विक्रय मूल्य का हो गए 36 बटे 40। ये उतर ही है जो तीसरे नंबर पर है, ये हमेशा ऊपर हो गए जैसा कि हम बताएंगे। अब इसको हम काटेंगे 36 × 36/40। अब अगर इसको हम 4 से काट दें तो 4 दहमा 40, और इसको अगर हम 4 से काटें तो 4 नौई 36। अगर इसको हम काट दें कितने से, मान लीजिए अगर यहाँ 10 है, तो अगर हम ऊपर एक दशमलव लेंगे, एक ऊपर दशमलव लगा दें, तो ये हमारा 10 खत्म हुई है। ये हमारा 3.6 है। अब ये 9×6=54, हाँ सिर्फ 5, और 9×3=27, और 5×34, और एक अंक पर दशमलव हो जाए। यानी कहने का मतलब जब इसको काटेंगे तो ये हो जाए 34.4 रुपए। सुनिए ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत ना हो। कहने का मतलब हमसे इससे मतलब नहीं, जो ये 40 पेन का विक्रय मूल्य हमने निकाला है इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे मतलब किससे है सुन लीजिए। यहां जो लिखा हुआ 36 पेन बेचने पर, हमने 36 पेन को बेचा है, इसका मतलब 36 पेन का क्रय मूल्य हमका निकाले का है और 36 पेन का विक्रय मूल्य निकाले का है। यही दूसरे हमका मतलब है। हमका अगर नीचे मान कि 37, 38, 40 अगर है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमसे केवल यह है कि 36 पेन को हमने कितने रुपए में खरीदा था और 36 पेन को हमने कितने रुपए में बेचा। तो अब इसी से हम आगे का काम करेंगे भाई। क्योंकि हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हम क्योंकि जानते हैं प्रतिशत हान, कई बार हम बताए हैं प्रतिशत हान बराबर क्या होता है, 100 × हान अब बटे क्रय मूल्य। यानी कहने का मतलब अगर हमका प्रतिशत हान निकालेगा है तो हान मालूम हो जाए और क्रय मूल्य मालूम हो जाए। अब हम चल रही हान निकालें, तो हान कैसे निकालेंगे, तो हान बराबर होता क्या है, हानि बराबर होता है ऊपर लिखे, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य। सुंदर राइटिंग लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी 36 पेन का क्रय मूल्य है 36 रुपया, और माइनस विक्रय मूल्य 36 पेन का विक्रय मूल्य है 34.4 रुपया। तो कई रुपया के हानि होंगे, इसका मतलब 36.0 में से 34.4 घटाएंगे, ये एक उधार लीजिए 10 यानी 6, और यह बच के उधार दे रहे 5, यानी कि 5 में 4 गए 1, अब कुछ नहीं। यही तो है 9×6=54, 9×3=27, 27×5=32 होगा। ये याद रखिए होगा 32 होगा, तो ये हो जाएगा 3। ये 32 है, ये इसको 32 बना लीजिएगा, क्योंकि
ये यहां देखिए 9 6 54 और 9 3 27 5 32। तो अब 36 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा 3.6 रुपए। कितना आएगा? अब प्रतिशत हानि निकाल दीजिए। प्रतिशत हानि बराबर 100 × हानि। हानि कितने क्या है 3.6 बटे क्रय मूल्य कितना है? अब क्रय मूल्य हम लेंगे 36 दिन का क्रय मूल्य है 36 रुपए। अब देखिए ध्यान से 100 है 100 लिखा इंटू ऊपर 1.5 है, हम चाहते हैं ऊपर के दशमलव हट जाए तो इसको हम बना देंगे 36 और बटे नीचे 36 है, जब नीचे हम 1 0 लिख देंगे तो ऊपर से दशमलव हट गया और 0 से 0 कट गया और 36 से 36 कट गया, यानी कि हमारा आ गया 10% क्या आ गया हानि। ये कहने का मतलब अगर हम 36 पेन को बेचने पर अगर 4 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि हो रही है तो हमें 10% की हानि होगी। देखिए यानी कि इग्रोहे नियम में और 14वें नियम में क्या था, यानी कि जितने रुपए में बेचते थे यानी कि जिसे यानी उसमें क्या था कि मतलब कि 15 केलों को बेचने पर 4 केलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता था। लेकिन अब क्या है, अब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तब हम कैसे लगाएंगे। मतलब इसमें दो ही नियम है, अगर उसको कार्य से देख लीजिएगा तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, पहली बात। दूसरी बात, या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तब हम इग्राहवां और 14वां नियम लगाएंगे। और मान लीजिए अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तब हम 15वां नियम लगाएंगे। क्या है देखिए 15वां नियम, पहले सवाल पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा है 15 केलों को बेचने पर 3 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो केलों पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब हमका प्रतिशत लाभ निकाले का है, तो हम कई बार बताए प्रतिशत लाभ निकाले का है, एक है मतलब कब निकले, जब हमका खरीदे वाला दाम और बेचे वाला दाम मालूम हो जाए। तो हम 15 केला हम बेचे ही तो हमका केवल इतने पता लगावेगा, ये दिमाग पे रख लिया हमका, ये हमका ये मालूम करेगा कि 15 केला हम कई रुपया खरीदे रहे और 15 केला कई रुपया के बेचे रहे, बस हमारा फिर काम बन गया। तो अब यानी कि हम बार बार बताएं, अगर लाभ होता है तो हम लाभ बराबर लिखेंगे, तो लाभ बराबर कहा होता है यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये है। अब लाभ कितने का 3 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये मतलब जहां लाभ लिखा हुआ है यहां क्या लिखेंगे 3 केलो, अभी तक लिख रहे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लिखा करें विक्रय मूल्य। अब यानी कि लिखा हुआ है यहां पर 3 केलो के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसका मतलब 3 केलो का क्रय मूल्य। अब बराबर विक्रय मूल्य यानी कि हम 15 केला के बेचे ही तो लिखा 15 केलो का विक्रय मूल्य। अब 15 केला अगर हम खरीदे बेचे ही तो कब 15 केला खरीदे ही तो अब 15 केलो का क्रय मूल्य नीचे लिखा दे, क्रय मूल्य लिखेंगे हम, ये है। अब देखा यानी कि जो दुई बार रहे होगा एक तरफ ले लेंगे हम, जैसे 3 केलो का क्रय मूल्य यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा है 15 केलो का क्रय मूल्य, इसको इधर ले लेंगे, तो ये देखिए कहने का मतलब 3 केलो का क्रय मूल्य और उसको इधर ले लीजिए प्लस 15 केलो का क्रय मूल्य, ई बराबर कितने का है 15
15 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 3 किलो का क्रय मूल्य और 15 किलो का क्रय मूल्य, 15 × 3 = 18 किलो का क्रय मूल्य, 18 किलो का क्रय मूल्य बराबर ये कितने के 15 किलो के विक्रय मूल्य। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है कि 18 किलो का क्रय मूल्य ई बराबर है 15 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कहने का मतलब जितने रुपए में हमने 18 किलो को खरीदा था उतने रुपए में हमने 15 किलो को बेचा, ये है। अब यानी कहने का मतलब अगर हमारा निकल जाता है कि इतने किलो का क्रय मूल्य इतने किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमारे सवाल लग गए। अब हम मानेंगे, माना ई जो 18 किलो खरीदे रहे, माना 18 किलो का क्रय, मान लिया 18 किलो का क्रय मूल्य कितना बा 18 रुपया। तो 15 किलो का विक्रय मूल्य यह कितना 18 रुपया। यानी कि इसमें लिखा हुआ है 18 किलो का क्रय मूल्य 15 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर 18 किलो का क्रय मूल्य अगर 18 रुपया है तो 15 किलो का विक्रय मूल्य 18 रुपया हो जाए। अब सुना हम बताए रहे, यानी जय केला बेचा था उतने केले के क्रय मूल्य और उतने केले के विक्रय मूल्य मालूम हो जाए। तो अब हम यानी कि यहां पर 15 केला हम मतलब बेचा नहीं, तो हमका तो 15 केला का 15 केला के हमका विक्रय मूल्य मालूम हुई था। अब देखा ही 15 केला के विक्रय मूल्य मालूम हुई था, अब हमका 15 केला का क्रय मूल्य मालूम हो चाहिए और ये हमका 18 केला का क्रय मूल्य मालूम है। तो जब 18 केला का क्रय मूल्य 18 रुपया है, अब ये पता लगा हुआ क्या है कि 18 केलो का क्रय मूल्य कितना हो गया, 18 किलो का क्रय मूल्य 15 किलो का क्रय मूल्य कितना हो गया 15 रुपया। अब तो आएगा भाई जय केला हम बेचे उतना केला रहा कितने में खरीदे रहा और उतना केला कितने गए बेचे रहा। तो अब यानी कि अब 18 किलो का क्रय मूल्य 15 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर रहा तो हमका 18 केला का माने ग्रहण है। तो जब 18 किलो का क्रय मूल्य 18 रुपया तो 15 किलो का विक्रय मूल्य हमारे 18 रुपया हो जाए। अब हम इन्हीं का एक को निकलेगा, लेकिन हमका 15 किलो का हमका क्रय मूल्य निकालेगा है, 15 किलो का विक्रय मूल्य निकालेगा है। तो 15 किलो का विक्रय मूल्य तो निकल गया, लेकिन 15 किलो का क्रय मूल्य नहीं रहा 18 किलो का। जब 18 किलो का क्रय मूल्य 18 रुपया है 15 किलो का क्रय मूल्य 15 रुपया हो जाए। अब देखा अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा और क्रय मूल्य। अब हमसे केवल इससे मतलब है यह दोनों से। अब हम क्या निकालेंगे लाभ, तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब देखा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब कि 15 केला बेचे तो 15 केला कितने बेचे 18 रुपया का माइनस और क्रय मूल्य 15 केला कितने के हम खरीदे रहे 15 रुपया का, तो हमका कितने रुपया का लाभ था 3 रुपया का। अगर हम 1815 घटाएंगे 3 रुपया का लाभ था। अब हमें क्या निकालना है प्रतिशत लाभ निकालेगा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, सब इंटू लाभ बटे क्रय मूल्य यही तो होता है। तो सौ है सौ लिखा इंटू लाभ, लाभ हमका 3 रुपया का है 3 बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य मतलब 15 किलो ध्यान कहीं ध्यान से देखिएगा, कहीं 18 किलो का क्रय मूल्य लिखिएगा 15 किलो, जब हम 15 किलो का विक्रय मूल्य और 15 किलो का क्रय मूल्य से मतलब है तो 15 यानी 15 लिखेंगे जितना 15 किलो जितने रुपए में हमने खरीदा है। अब इसे हमें काटना है तो 100 × 3 / 15
तीन करना तीन, तीन पचे पंद्रह, पांच करना पांच, पांच दूनी दस, जीरो, यानी कि 20% क्या होगा, लाभ होगा। ये है। अब इन्हीं की याद रखे रहिएगा, किसी चीज को अगर बेचते हो तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, तो समझ लेना कि पंद्रहवां नियम हमें लगाना है। अगर किसी चीज को बेचते हो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, ग्यारहवां नियम और चौदहवां नियम देख लीजिएगा। देखा, अगर इसके पहले की सवाल अगर कहीं दिक्कत रही हो तो हम एक सवाल और दे रहे हैं, पंद्रहवां नियम में एक सवाल और हम आपको देते हैं, दूसरा मतलब उसी का। 24 केलों को बेचने पर 4 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो केलों पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए, हम 15वां नियम के दूसरी सवाल दिए हैं, इसको आप लोग लगाइएगा, जैसा हम बताए हैं उसको देख करके इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा कितना आया है। और हम अब 16वां नियम देखिए, भाग 4 के 16वां नियम देखिए, और हम हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कम से कम आप नियम सीख लीजिए, हर नियम बताएंगे, कायदे से बताएंगे। और अब देखिए 16वां नियम क्या है, 1 रुपए की 12 काफी बेचने पर 20% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए? पहले तो सवाल समझ लीजिए, लगाने में कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया कर 12 टॉफी बेचे, उनका 20% के हानि है। तो कहा अगर इन्हीं चाह रहे हैं कि मतलब कि अगर इन्हीं की 12 टॉफी जो हमने खरीद बेचा था 20% का हानि लगा, वो चाहता है 20% लाभ हो जाए, तो हम 1 रुपया पे कई काफी बेची। तो यहां से यहां तक पहले केवल इतने देखेंगे हम, भाई हम बताए मतलब कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो पहले तो ये मालूम हो चाहिए कि जो 1 रुपया का 12 काफी बेचा है, अब 20% के हानि है, तो वो टफिया 12 टफिया खरीदे कितने के रहा, यह मालूम हो जाए बस। तो अब यह तो देखा दी रहा, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर, यानी 12 टॉफी 1 रुपया बेचा था है, 12 टॉफी 1 रुपया बेचा था, देखे मतलब विक्रय मूल्य 1 रुपया ना, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य भैया, विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, 1 रुपए, और 1 रुपए, और प्रतिशत हानि दी रहा है, प्रतिशत हानि दी रहा है बराबर 20%। अब केवल यहां तक देखेंगे बस, अगर हमका विक्रय मूल्य दी रहा है, प्रतिशत हानि दी रहा है, और क्रय मूल्य अगर निकाले का है कि हम कितने का खरीदे रहे, अगर हमका क्रय मूल्य निकाले का है तो हानि के क्रय मूल्य का होगा, नियम 6 में हम बताई है, अगर कहो ऐसी सीन आवे कि हमका विक्रय मूल्य दे रहा है, प्रतिशत हानि दे रहा है, क्रय मूल्य निकाले रहा है, ओका सूत्र है क्रय मूल्य बराबर 100 × विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस प्रतिशत हानि, यानी बराबर 100 है 100 लिखा, इंटू विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 1 रुपया बटे 100 है 100 लिखा, माइनस प्रतिशत हानि 20 है 20 लिखा, तो ये 100 बटे, अब 100 में से 20 घटाया जाए 80, अब इसको जब हम काटेंगे 100 बटे 80 को काटेंगे 0 0 कटेगा, 2 से अगर काटेंगे 5 10, अगर 8 2 से काटेंगे तो 2 4
आठ, यानी कि E बराबर आ गया 5/4 रुपए। इसका मतलब जो टॉफी हमने 1 रुपए की 12 टॉफी जो हमने बेचा था 20% की हानि हुई थी, उस टॉफी को हमने 5/4 रुपए में क्या किया था, खरीदा था। अगर इसको और हल करना चाहते हो तो 5/5/4 मतलब 5/4 से भाग देते, 4 करना 4 5 4 1, फिर यहां दशमलव 0, 4 × 8 फिर 2, फिर मतलब फिर 0, 4 × 5 = 20, यानी कि इसको कह सकते हो 1.25 रुपए, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा गए 12 टॉफी। ये है कितने टॉफी गए, 12 टॉफी के का बटे 12 टॉफी का क्रय मूल्य कही, ये 12 टॉफी का क्रय मूल्य है, ये 12 टॉफी का विक्रय मूल्य। तो 12 टॉफी का विक्रय मूल्य ये है, 12 टॉफी क्रय मूल्य है, यानी कि जब हम 12 टॉफी हम 1 रुपया 25 पैसा के हम खरीदे रहे और हम यानी 12 टॉफी हम बेचे 1 रुपया के, तो हमको हमको कितने परसेंट भी 25% का लाभ हुआ, हानि हुई। अब हम चाह रहे कि 25% का लाभ हो, तो हम यानी कि जब हम टॉफी को यानी हम कितना लाभ चाह रहे हैं, हम लाभ चाहते हैं प्रतिशत लाभ दिया गया है 20%। अगर क्रय मूल्य दे रहा है प्रतिशत लाभ, यानी कि अब हम जो हम टॉफी 12 टॉफी जो हमने 1 रुपए 25 पैसे में हमने खरीदा था, तो अगर हम चाह रहे हैं 20% का लाभ हो, तो उस टॉफी को हम कितने रुपए में बेचे, तो सबसे पहले हम लाभ निकाला, तो लाभ बराबर कैसे निकाला जाए हम बताइए ही, जितना क्रय मूल्य हो इंटू जय परसेंट लाभ चाहते हो उतना बटे 100। अब इसको जब हम काटेंगे 1.25 इंटू 20/100, 0 से 0 करिए, 2 करना 2, 2 × 5 = 10, अब 5 करना 5, अगर 5 से काटेंगे तो 0.5 पहले बढ़ाएंगे तो बनेगा 10, तो 5 × 10 फिर बनेगा 25 और 5 = 25, यानी कि ये बनेगा कितना 0.25 रुपए, इतना बना। अब हमको क्या निकालना है, लाभ का विक्रय मूल्य, यानी कि अगर हम 12 टॉफी अगर 1 रुपया 25 पैसा का अगर खरीदा था और हम चाहते हैं कि 20% का लाभ हो, तो हम यानी कि कितने बेचे, तो हम यानी विक्रय मूल्य कितना हुई है, विक्रय मूल्य अभी इसका निकालिए जो हम चाह रहे हैं, 12 टॉफी का विक्रय मूल्य, तो 12 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना हुई है 1.25 × 0.25 बराबर कितना हुई है 5 × 5 = 10 और का दे 2 और 2 = 4 और एक हासिल आए 5.1 इतने रुपए। अगर हम 12 टॉफी 1 रुपया 50 पैसा बेची तो हमका लाभ होए 20%, लेकिन अभी कहा मैंने 1 रुपया 50 पैसा 12 टॉफी बेचा, लेकिन 1 रुपया का टॉफी मान लीजिए अगर अगर कोई आता है अगर कहता है कि भैया हमका 1.5 रुपया टॉफी दे दे, तो हम 12 टॉफी दे देवे, लेकिन कहा था 1 रुपया भैया हमका टॉफी दे दे, 1 रुपए कितने टॉफी देंगे देखिएगा, तो यहां लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1.50 रुपए में बेचते हैं बराबर कई टॉफी 12 टॉफी, मतलब कि 1 रुपया 50 पैसा हम कई टॉफी बेचे मतलब 12, तो इसलिए 1 रुपए में बेचेंगे कितना 12 बटे इतना, जो हिया रहे ऊपर हिया जो रहे नीचे। अब कहा रहे कि हमका 1 रुपया टॉफी दे जा, तो जब अगर जैसे 12 टॉफी दाम 1.5 रुपया है, अगर 1.5 रुपया लेते हैं तो ये निकाले निकाले हो सकते ना होते हैं, उठाए 12 टॉफी दे दी, लेकिन वो कहा था भैया हमका 1 रुपया टॉफी दे जा, तो 1 रुपया टॉफी तो भाई अब दिक्कत नहीं, 1 रुपया तो निकाले हो, अब देखा 1 रुपया के कई टॉफी मिले, तो 1 रुपए में कितने टॉफी मिलेंगे, जब यानी 1 रुपया कितना टॉफी 1 रुपए में मतलब यह जो है ऊपर यह नीचे, तो ये 12 अब यानी कि बटे 1.50
तो 12, अब यानी कि नीचे दो एक दशमलव है तो ऊपर दो जीरो लिख देंगे, तो हमारे नीचे दशमलव खत्म हो गया, ये हो गया 150, जीरो से जीरो कट गया। अब 15 × 15, 15 × 120 यानी कि बराबर 8 काफी। यानी कहने का मतलब अगर यानी 1.50 रुपया के 12 काफी बेचने पर 20% का लाभ होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन अब हम दुकान खोल बैठिए 12 काफी लेके, अब केहू अगर 1 रुपया की टॉफी ले तो हम कई टॉफी दे, 8 टॉफी दे, और 1.5 रुपया अगर टॉफी ले तो 12 टॉफी दे। ये है हमारा सवाल यानी कि सोलहवां नियम। देखिए सोलहवां नियम में, सोलहवां नियम का हम एक सवाल बताए हैं और दो सवाल हम दिए हैं इसी टाइप के, प्रयास करिएगा लगाइएगा तो हमको कमेंट करिएगा कितना आंसर आया। सोलहवां नियम का दूसरी सवाल दिए हैं कि 10 रुपए की 20 टॉफी बेचने पर 4% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। एक यह है एक इसी का तीसरी सवाल हमने दिया है, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, तो इस पर 20% का लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितने काफी कितने बटन को बेचें। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और हम दो सवाल ये एक सवाल और हम बीच में दिए हैं, तीन सवाल दिए हैं, इसको बैठ करके लगाइएगा, अगर समझ में नहीं आता है, समझ में कहीं दिक्कत हो तो उसको कमेंट करिएगा, वीडियो हमारा आखिरी में शुरू से आखिरी तक देखिएगा, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।